तो अब गेमिंग बार जो इसका फीचर है वो किस तरह का फीचर है इसको समझ लेते हैं। अच्छा फीचर है इसको समझें। जैसे गेमिंग बार पे क्लिक करेंगे तो पहले ये फीचर कह रहा है कंट्रोल हाउ गेम बार ओपन द रिकॉग्नाइजेस योर गेम। ओके एनेबल गेम बार, ये गेम बार एनेबल हो गया। जैसे ही एनेबल होगा अब आप इसको यूज कर सकेंगे। कैसे? नीचे आएंगे तो कुछ शॉर्टकट्स हैं। जैसे गेम बार को खोलने का शॉर्टकट क्या है? विंडोज के साथ जी का बटन दबाना। अब विंडोज के साथ जी का बटन मतलब क्या है? विंडो की कौन सी होती है? ये विंडो की है, इसके साथ दबा के रखना और जी का बटन दबाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, जैसे मिसाल के तौर पे विंडोज जी, उसके बाद क्या आ रहा है? विंडोज अल्टर प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन शॉट लेने की शॉर्ट की है ये। ठीक है, और रिकॉर्ड दैट विंडोज अल्टर जी रिकॉर्डिंग के लिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए विंडोज अल्टर आर, माइक्रोफोन ऑन ऑफ करने के लिए विंडोज अल्टर एम, और पास और प्ले करने के लिए विंडोज अल्टर बी, कैमरे को ऑन ऑफ करने के लिए विंडोज अल्टर डब्ल्यू। ये शॉर्टकट आपको कुछ याद करनी होगी। अब आते हैं रिकॉर्डिंग कैसे करेगा। ये फीचर एनेबल किया गया है इसलिए कि आप कोई गेम खेल रहे हैं और उसके दौरान में आप रिकॉर्ड कर लें उस गेम को, ताकि बाद में यूट्यूब पे फेसबुक पे आप अपलोड कर सकें। अब मेरे पास गेम तो है नहीं, तो इसी के ऊपर मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैंने विंडोज जी दबाया, ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि भाई अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें, और माइक्रोफोन को वॉइस करनी है या नहीं करनी है यहाँ पे क्लिक कर। तो मैंने यहाँ क्या रिकॉर्डिंग, हालांकि मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक दूसरे सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ, पर ये मैं विंडोज का बिल्ट इन सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ कि ये भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब जो भी मैं इस वेबसाइट के ऊपर चेंजेस कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ या यहाँ से देख रहा हूँ, कुछ भी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके बाद मैं जाके यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने कहा कि भाई ये कहाँ सेव हुआ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से इसको ओपन पे क्लिक कर दिया। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं गैलरी में चला गया। यहाँ पे देखेंगे एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई, इस पर राइट बटन दबाया, ओपन विथ पे क्लिक किया, प्ले मीडिया प्लेयर पे क्लिक किया, तो ये देखें मेरा माउस भी नज़र आ रहा है आपको, और जो रिकॉर्डिंग थी वो इसके अंदर हो चुकी है। सही है, इस तरह से आप अपना स्क्रीन रिकॉर्ड बना ले सकते हैं इसके अंदर बगैर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। वैसे ये मैं सॉफ्टवेयर जो यूज करता हूँ ऑब्वियस, ये भी यूज कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लेकिन ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउनलोड करके। हालांकि ये भी फ्री है, पर ये कि आप अगर विंडोज का फीचर यूज करना चाह रहे हैं तो ये विंडोज जी के साथ एक्टिवेट होता है। अच्छा, इसके अलावा विंडोज जी दबाएंगे, स्क्रीन शॉट लेना है, ये स्क्रीन शॉट पे क्लिक कर देंगे, स्क्रीन शॉट हो गया उस जगह का। ठीक है, और फिर अगर आपको इसको मिसाल के तौर पर देखना है कहाँ सेव हुआ है तो यहाँ से ओपन कर लें, कंटिन्यू कर दें, तो ये एक फोल्डर में सेव हुआ है कैप्चर्स के अंदर जाके, ये रहा वो। ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर में अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ये गेम बार के जरिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। और यहाँ से सेटिंग्स में जाके अगर आप उस फीचर को ऑफ करना चाहते हैं तो गेमिंग बार में जाके यहाँ से इसको ऑफ कर दें, ये ऑफ हो जाएगा। अब जब भी आप विंडोज जी दबाएंगे, विंडोज जी, तो ये काम नहीं करेगा। सही, समझ में आ गई बात। उसके बाद है कैप्चर्स की कुछ सेटिंग्स है, मतलब जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कहाँ सेव हो, तो ये बता रहा है कि भाई देखें अभी ये सेव होगा वीडियोस के अंदर जाके, कैप्चर्स के अंदर। मतलब वीडियो कहाँ सेव होगी, ये गए आप डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ से आप गए वीडियोज में, यहाँ से आप गए कैप्चर्स में, यहाँ पे रिकॉर्ड होगी सारी चीज, स्क्रीनशॉट भी आएंगे, वीडियो भी यहाँ रिकॉर्ड होके आएंगे। दूसरा ये कह रहा है, इसको भी बाद में देखते हैं, कि अगर आप चाहें किसी और फोल्डर में सेव करना तो यहाँ पे क्लिक करें, और ये देखें तरीका हम बता रहे हैं कि आप दूसरा फोल्डर कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे तरीका, कह रहा है चेंज चेंज कैप्चर सेटिंग्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कह रहा है टू चेंज द कैप्चर सेटिंग्स स्टार्ट विंडोज एंड सेलेक्ट सेटिंग्स गेम गेम कैप्चर्स, द फॉलोइंग एक्शन कवर द कैप्चर सेटिंग्स के एडजस्ट। ठीक है, लोकेशन फॉर सेविंग, कह रहा है कि नियर द टॉप ऑफ द कैप्चर स्क्रीन यू विल सी सेक्शन डिस्प्ले एंड फोल्डर लोकेशन वेयर स्क्रीनशॉट्स आर गेम्स क्लिप्स आर ऑटोमेटिकली स्टोर्ड, यू कैन क्विकली एक्सेस द लोकेशन बाय प्रेसिंग ओपन फोल्डर बटन टू चेंज द वेयर योर गेम क्लिप्स आर स्वैप्ड, फाइल एक्सप्लोरर टू मूव द कैप्चर्स फोल्डर्स एनीवेयर यू वांट टू पीस, यू विल कंटिन्यू योर गेम एज शोन फोल्डर व्हेनेवर यू मूव। अच्छा, ये कह रहा है कि इसका तरीका ये है कि भाई वहां पर ही रिकॉर्ड होंगे, फिर उसके बाद तुम वहां से कहीं भी उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर लो, कट पेस्ट कर लो, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, जहाँ पे हम रख रहे हैं वहां से उठा के बाद में डिलीट करके कट कॉपी पेस्ट कर लेना। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नीचे। अब कह रहा है रिकॉर्ड इन द बैकग्राउंड व्हाइल आई एम प्लेइंग गेम, अगर ये फीचर ऑफ कर देंगे तो गेम खेलने के दौरान आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे, क्लिक पिक रखेंगे तो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे, और कह रहा है कि कम से कम भी 1 मिनट की रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। आप इसको 15 सेकंड भी कर सकते हैं, आप इसको 10 मिनट भी बढ़ा के कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद रिकॉर्ड इवन माय पीसी इजंट प्लग इन, दिस इज रिड्यूस माय बैटरी लाइफ. मतलब कह रहा है कि जब मेरा पीसी बैटरी पे चल रहा हो तब भी रिकॉर्ड करे, और अगर मैं यहाँ से चेक हटा दूंगा तो जब बैटरी पे चल रहा होगा तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, मुझे पावर प्लग इन करना ही पड़ेगा. ठीक है. रिकॉर्ड वाइल वायरलेसली प्रोजेक्टिंग, अभी देखें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वायरलेसली प्रोजेक्टिंग हुई हुई हमारी स्क्रीन, तब भी रिकॉर्डिंग हो रही थी. यहाँ से चेक हटा देंगे तो फिर जब मैं इसको वायरलेसली प्रोजेक्टिंग कर रहा हूँ स्क्रीन को तो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा. ठीक है. और कह रहा है रिकॉर्डिंग की लेंथ 30 मिनट की हो, मैं बढ़ा के 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड कर सकता है. रिकॉर्डिंग ऑडियो कह रहा है रिकॉर्ड ऑडियो व्हेन आई रिकॉर्ड अ गेम, मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड करो जब मैं गेम खेल रहा हूँ. और टर्न माइक ऑन बाई डिफॉल्ट व्हेन आई रिकॉर्ड, और मेरा माइक को ऑन रखो. अगर मैं इस पर दोनों से चेक हटा दूंगा तो गेम की ऑडियो को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा ये. ठीक है. और माइक को भी रिकॉर्ड नहीं करेगा. ऑडियो क्वालिटी 96 पे रखें, 128 पे रखें, यानी कि कितनी अच्छी क्वालिटी आप चाहते हैं वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं. अब माइक्रोफोन और सिस्टम वॉल्यूम, दो किस्म के वॉल्यूम होते हैं. माइक्रोफोन वॉल्यूम जैसे मैं बोल रहा हूँ, सिस्टम वॉल्यूम वो जो गेम खेलने के दौरान गेम खुद प्रोड्यूस करता है कुछ वॉइसेस. तो यहाँ पे कह रहा है कि गेम की वॉइस को ज्यादा रिकॉर्ड करें या फिर आपकी वॉइस को ज्यादा तरजीह दे, इसमें से दोनों सेटिंग को कम ज्यादा करके आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं. और आप चाहते हैं सिर्फ गेम की आवाज को रिकॉर्ड करें तो इस पर चेक लगा दें, आपकी आवाज को रिकॉर्ड नहीं करेगा. वीडियो क्वालिटी कैसे रखें, 30 फ्रेम पर सेकंड पे रखें या 60 फ्रेम पर सेकंड पे रखें. स्टैंडर्ड साइज तो 30 फ्रेम पर सेकंड है, लेकिन अब लेटेस्ट में 60 फ्रेम पर सेकंड आ रहा है. 60 और 30 फ्रेम पर सेकंड होते गए. देखिए तस्वीर तो जब हम खींचते क्लिक करते हैं ना, उसका एक फ्रेम बन जाता है. सबको पता है तस्वीर तो ऐसे खींचती है. वीडियो कैसे बनती है, कभी पता है इसके बारे में? वीडियो ऐसे बनती है, क्या है ऊपर जाके अभी रुक, तस्वीर ऐसे बनती है, वीडियो ऐसे बनती है कि 30 फ्रेम पर सेकंड 60 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर, मतलब एक तस्वीर की 30 कॉपीज बनती हैं और वो स्टेप बाय स्टेप प्ले की जाती है. तो इस तरह 30 फ्रेम पर सेकंड बन जाता है, और 60 फ्रेम पर सेकंड ऐसे बनता है कि एक ही तस्वीर की 60 कॉपीज बन जाती हैं, और फिर वो सॉफ्टवेयर उसको एक के बाद एक प्ले कर रहा होता है. तो 60 फ्रेम पर सेकंड ऐसे बन जाता है. वीडियो क्वालिटी आप स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं, हाई भी रख सकते हैं. स्टैंडर्ड और हाई में ऐसा है कि आप लो क्वालिटी पे बनाना चाह रहे हैं, हाई क्वालिटी पे बनाना चाह रहे हैं वीडियोस, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं. कैप्चर माउस स्क्रीन, कैप्चर करें आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो तीर आ रहा है या नहीं करें रिकॉर्डिंग के दौरान. अगर नहीं करें तो चेक हटा दें, और करें तो चेक लगा दें. गेम मोड आप अपना क्या रखना चाहते हैं, ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं. ऑन रखेंगे तो आपकी मशीन पूरे रिसोर्सेज गेमिंग के लिए यूज़ करेगी, रैम प्रोसेसर हार्ड डिस्क वगैरह. अगर ऑफ रखेंगे तो ये लेस रिसोर्सेज को यूज़ करेगा. तो ये इस तरह से गेम कैप्चर्स को यूज़ करके आप अपनी सेटिंग्स बना के गेमिंग के लिए इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है.